नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर महेश गुप्ता, केंट आरओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। आज आप जानते हैं, देश में सिनोनिमस टर्म हो गया है ये एक आरओ प्यूरिफायर के साथ में। मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, ठंडा मतलब कोका कोला, नूडल का मतलब मैगी, लाइफ इंश्योरेंस LIC, देश का नमक टाटा, ऐसे ही आरओ का मतलब केंट। तो आज डॉक्टर महेश गुप्ता एक साधारण आम जीवन बिताते हुए एक सरकारी नौकरी किया करते थे, इंडियन ऑयल में डिप्टी मैनेजर की। इनके फादर भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। कैसे इनके बेटे की एक दफा तबीयत खराब हुई थी 97 में वाटर बॉर्न डिजीजेस के कारण। उस समय इनको इनके बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसको ट्रीटमेंट में बहुत समय लग रहा था और पानी साफ मिलता नहीं था। एक आम आदमी नलके का पानी पिया करता था। और ऐसे ही तब इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस देश को पानी से होने वाली बीमारियों से बचाया जाए, और जहां पे इन्होंने उस समय आरओ बनाया था। उस समय दूसरे बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स काम किया करते थे और जिनका बहुत नाम था। तो पहली दफा इन्होंने केंट के साथ शुरू किया। शुरुआत के प्रोडक्ट बड़े महंगे थे क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करी। इनकी जर्नी से आज एक आम आदमी को, मुझे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि कैसे आज इन्होंने बिना एक रुपए का कर्जा लिए, बिना अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किए, अपने ही पैसे से बूटस्ट्रैप करके धीरे धीरे बढ़ा के, फिर पैसा बचा के, फिर री इन्वेस्ट करके, फिर बढ़ा के आज घर घर तक पहुंच गए हैं। आरओ का आज, क्योंकि ये अभी भी मैं मानूंगा ये अपने इन्फेंट स्टेज पे है। ये इंडस्ट्री 3% का पेनिट्रेशन है इसका पूरे देश में। आज हमारे केवल 3% परिवार ही अभी भी आरओ यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने एक जंग छेड़ दी है पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप एक हमारे देश में लीडिंग एंटरप्रेन्योर बने अपनी इंडस्ट्री में पहला, और आपके कंपटीशन में जो बाकी के मार्केट प्लेयर्स हैं वो बहुत पीछे दिखाई पड़ रहे हैं आपसे। तो आपके इतना तेजी से आगे बढ़ने के कारण क्या है, और जर्नी के बारे में ये थोड़ा कुछ शेयर करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ मैं इस इंडस्ट्री में आया इसलिए क्योंकि एक प्रॉब्लम को सामने लेके आया। जब जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई कि पानी से जो बीमारियां होती हैं उसको कैसे कम किया जाए, उस प्रॉब्लम का समाधान मैंने ढूंढा। उस समाधान को लेके मैं लोगों के पास गया, और मेरा पर्पस भी बिजनेस करने का नहीं था, मेरा पर्पस लोगों को समाधान देने का था। उस समाधान के साथ साथ मुझे मालूम था मैं समाधान दूंगा लोगों को और सॉल्यूशन दूंगा तो मेरे को बिजनेस प्रोपोजिशन बनेगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी बनेगा और मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो उस चीज़ को मैं सामने लेके गया, जबकि मेरे जो कंपटीटर्स हैं वो देख नहीं पाए आगे क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे। मैं जानता हूं, जब मैं कॉलेज में 70 से 75 तक IIT हम कानपुर जाया करते थे, दिल्ली से हम स्टेशन पे उतरा करते थे और ओक से पानी पिया करते थे। हमें कभी ये डर नहीं लगा ये पानी पीने से हमें कोई बीमारी हो जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि हम अपना पानी खराब करते चले गए। पानी नदियों में खराब हो गया, पानी भूदल का पानी खराब हो गया। अब जो पानी हमारे पास आता है उसमें दो तरह की तकलीफ होनी शुरू हो गई। जमीन के अंदर का पानी खराब हुआ, जमीन के ऊपर का पानी खराब हुआ। तकलीफें ये आई कि जो पानी में बैक्टीरिया वायरस को निकालने के लिए तो पानी को उबाल लीजिए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे सरकार भी कहती है। आप यूवी प्योरीफायर लगा लीजिए वो बैक्टीरिया वायरस मर जाता है। जब हमने आरओ प्योरीफायर का इजाद किया और इंडिया में लेके आए हम लोग, तब मेरा सबसे बड़ा तकलीफ ये था पानी में जो घुली अशुद्धि है वो कैसे निकले। घुली हुई अशुद्धियां जी, ये कैसे? जैसे क्या होता है, नमक आपने डाल दिया पानी में, पानी देखेंगे तो बिल्कुल साफ नजर आएगा लेकिन वो नमकीन नजर आएगा, घुला हुआ है उसमें। इसी तरह जितने भी केमिकल्स इस दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, फार्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सब्जियों उगाने के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप डालते हैं, यूरिया डालते हैं जमीन में, वो सब पानी में ही चला जाता है। हम नदियों के अंदर इतने सारे केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, वो सब पानी के साथ आते हैं। ये सब अशुद्धियां घुली हुई अशुद्धियां होती हैं। तो ये पहले यूवी प्यूरिफायर इन घुली हुई अशुद्धियों को साफ नहीं कर पाता था, नहीं कर पाएगा। अब आप देखिए, बॉइलिंग भी नहीं कर पाता। सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये है कि आज हम 20 साल से इस चीज को समझा रहे हैं। तो आरओ प्यूरिफायर पहली बार कौन लाया हमारे देश में? हमारे देश में घरों के लिए मैं पहली बार लाया, इसलिए मेरे को लाना पड़ा क्योंकि इस तरह के अवेलेबल नहीं थे। हमने उसको बनाया और उसको बाजार में उतारा और लोगों को समझा के आज भी हम समझा रहे हैं। मतलब पहले जो आरओ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस था वो केवल B2B चल रहा था, B2B बड़े लेवल पे चल रहा था। डीसेलिनेशन प्रोसेस होता है, अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे उनको पीने का पानी कहीं मिलता नहीं, नदी उलती नहीं है, तो जो सी वाटर होता है, सी वाटर से वो ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं। वो प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस ही कहलाता है, लेकिन बड़े लार्ज स्केल पे होता है। एक घर का एक छोटा सा प्लांट बन जाए वो इंडिया में नहीं आया था। तो वो लार्ज प्लांट को आपने छोटा प्लांट बनाया जी, जो घर के किचन में जाके फिट हुआ। एब्सोल्युटली। ओह,
तो ये प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ तो बिजनेस शुरू हुआ हमारा। और ये कौन से ईयर में किया आपने? 98 में शुरू किया। 98 में, 98 में जब आपने शुरू किया तो पहले तो माल बिकने में बहुत मुश्किल आई होगी, क्योंकि ये एक रेडिकल इनोवेशन था। हर रेडिकल इनोवेशन आप जानते हैं शुरू में बहुत तकलीफ देता है, तो थोड़ा उस समय की तकलीफों के बारे में बताइए। तकलीफ ये थी कि जब मैंने डिसाइड किया हम बिजनेस करेंगे इसको, अब बनाना शुरू किया तो जो रॉ मटेरियल थे वो कॉस्ट थे, सब थोड़े से इंपोर्ट होते थे कंपोनेंट, तो हमने उसको 20,000 रुपए का बाजार में उतारा। उस समय 98 में 20,000, आप समझ लीजिए कि आपका कितना सोना आ सकता था उस समय में। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, तो 7-8 तोले सोना उस वक्त आ सकता। तो वो चीज हमने निकाली उस वक्त, तो लोग हंसते थे हमारे पे, 20,000 रुपए में आप क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल जो यूवी प्योरीफायर होता था उस वक्त 3,000 रुपए का बिकता था, तो मतलब 7 गुना महंगा था। मार्केट की एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट फिर भी हम लोग भी तो जिद्दी थे, तो एक महीने में हम लोगों ने 20 पीस बेचे, अगले महीने में हमने 25 पीस बेचे। उस समय बेचते कैसे थे? बेचते थे अपने 7-8 लड़कों को इकट्ठा किया, उनको गाड़ी पे रखवाया, घरों में जाके दिखाया करते थे, देखिए पानी का टेस्ट देखिए कितना बढ़िया है। डायरेक्ट मार्केटिंग से शुरू किया। नो चार्ज, कोई मेरे पास तरीका नहीं था, मेरे पास कुछ पूंजी नहीं थी जिसको मैं कर सकता था, लेकिन मुझे खुशी ये होती थी कि जब वो 20 लोगों को मैंने दिया और अगले महीने उनसे पूछा कि आप बताइए कैसा लग रहा है पानी, कहते यार इससे बढ़िया कोई चीज हमें पीने को नहीं, तो मुझे धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस हो गया। 98 के बाद से इम्प्योरिटीज भी बहुत बड़ी होंगी, बढ़ती जा रही है। अब तो सरकार ने भी ये कह रहे हैं ये गंगा को साफ करना है, यमुना को साफ करना है, जो पैसा लगेगा हम लगाएंगे, और सरकार पैसा लगा रही है। सरकार गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा को साफ और स्वच्छ करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। आपने बताया कि यूवी को में जो घुले हुए पानी की शुद्धियां नहीं जा रही थी, उसके लिए आपने पहली बार प्रोडक्ट बनाया रिवर्स ऑस्मोसिस। ये दादा एक कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट था उस समय मार्केट के अंदर, लेकिन महंगा था। तो फिर आप क्या मानते हैं कि इस इनोवेशन ने आपको कितना, ये पहली बार क्योंकि आपने किया तो उसका फायदा तो हुआ होगा आपको, मिला होगा नेचुरली मार्केट में, और कोई नहीं था उस समय मार्केट प्लेयर में जो इस तरह से कर रहा था। देखिए बहुत स्लो स्टोरी रही मेरी, 98 से लेकर 2005 तक हम धीरे धीरे करके हर साल कुछ ना कुछ ज्यादा बिजनेस को ग्रो करते रहे, और हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर मॉडल पे रहे। हम दुकानों तक इसको रख नहीं पाए, क्योंकि दुकानदार वो माल रखता है जो बिकता है, दुकानदार वो माल नहीं रखता जो वो कस्टमर को समझा पाए भाई ये क्या चीज है। वो कस्टमर को समझाने के लिए हमें घरों तक जाना पड़ा, तो हमने डायरेक्ट मार्केटिंग का मॉडल रखा और धीरे धीरे करते रहे। 2002 में हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट शुरू किया न्यूज़पेपर के अंदर, तो ताकि वो लोगों को समझ में आने लगे, क्योंकि अब बिकना शुरू हो गया था, तो धीरे धीरे करके हमने उसको करना शुरू किया। लेकिन फिर हमने रियलाइज किया 2005 में, 7 साल के बाद, अगर इसको प्रॉपर तरीके के कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह नहीं बेचेंगे, लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि हम लोग लंबे दौड़ के घोड़े हैं, कि हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो उनके फायदे का प्रोडक्ट है, तो प्रॉपर कंज्यूमर प्रोडक्ट की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। फिर 2005 में हमने वो स्ट्रेटेजी बनाई, और स्ट्रेटेजी बना उसके बाद आप हेमा मालिनी जी को लेके, हाँ 2005 में पहली बार लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके तो पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद टेलीविजन कमर्शियल बनाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो हमने कहा उनकी सिर्फ फोटो लगा के न्यूज़पेपर में चला लेते हैं। अच्छा। तो लोगों को ये लग जाएगा भाई कैंट कंपनी एक महत्वपूर्ण कंपनी है, ये भागने वाले लोग नहीं है, तो उनको पहले सिर्फ मैंने 1 साल सिर्फ फोटो शूट में रखा और उनके लिए सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया। फिर 2006 में पहली बार उनके साथ में टेलीविजन कॉमर्शियल बनाया और उसको टेलीविजन में रिलीज किया। केंट के सबसे शुद्ध पानी पर लाखों लोग भरोसा करते हैं आंख मूंद कर, केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। फिर आप उसके बाद चैनल सेल्स में आए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने बिल्ड किया, नए डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनाए, सेल्स की मैन पावर बढ़ाई होगी उस समय तो आपने? बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाते गए, क्योंकि ये तरक्की जो है ना एक सीढ़ी पर सीढ़ी पर सीढ़ी धीरे धीरे करके बढ़ती गई, और मेरे पास ना तो पूंजी थी ना मेरे पास कोई इन्वेस्टर ऐसा था जिसका मैं पैसा लेके उसको लार्ज स्केल पे लगा सकता था, ना मेरे घर वाले उस वक्त उसको फादर उसको अलाउ करते मेरे को उसको करने के लिए। हमारे व्यूअर्स आज एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास भी पूंजी की कमी रहती है, तो आपने बिना पैसों के किया, आज तक आपने किसी से पूंजी नहीं ली, उधार नहीं लिया, और इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड किया, इस समय मन में कभी कभी आता तो होगा कि नहीं यार ले लेते हैं पैसा जल्दी एक्सपैंड करेंगे, तो कैसे रोका आपने आपको? देखिए मैं अपने जो बैकग्राउंड है उसको एक रीजन देता हूँ इस चीज का, कि मैंने लाइफ में शुरू में एक प्रिंसिपल बनाया कि कम से कम उधारी में काम करूं, और जितने अपनी चद्दर है पिताजी ने एक ही सिखाया था उतने ही पैर फैलाओ। तो ना तो आप उधार लेते हैं ना देते हैं, ना उधार लेते हैं ना देते हैं, हम कहते हैं कैश में बिजनेस करते हैं हम लोग, और वो होता है क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट देते हैं लोगों को और लोग उसके पैसे देके मुझे जाते हैं,
और मैं उधार इसलिए नहीं देता हूँ कि भगवान की कृपा से हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो पैसा आता है उसको बिजनेस में लगा देता हूँ। 20 साल तक आज तक मैंने कोई पैसा अपने लिए नहीं निकाला तनख्वाह के अलावा। अच्छा, तनख्वाह जरूर लेता हूँ कंपनी से, अगर मैं नौकरी करता तो भी तनख्वाह लेता तो, लेकिन कंपनी में से कोई प्रॉफिट अपने लिए नहीं निकाला मैं। तो आपने इसको एक मिशन बना लिया कि मैं साफ सुथरा पानी देना चाहता हूँ। साफ सुथरे पानी के बाद जैसे ही अब जर्नी आगे चली है 2006 के बाद में, जैसे जैसे हमें तरक्की मिलती गई है, हमने अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया, जो विजन बड़ा कर दिया, उसमें हम सुनते हैं हाउस ऑफ प्योरिटी। दी हाउस ऑफ प्योरिटी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्योर चीजों के लिए काम करना है। हमने अपना पानी खराब किया तो पानी शुद्ध लोगों को देना है, हमने अपनी हवा खराब की तो हवा शुद्ध हवा करके घर में कैसे लोग हवा शुद्ध कैसे। अच्छा, आपने नया इक्विपमेंट बनाए जिससे रूम के अंदर आप लगा के एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा सब्जियां सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है आज की तारीख में। सब्जियां और फलों पर जो केमिकल लगते हैं, जो फार्मर्स केमिकल लगाता है, आप उसको पानी से धोए तो निकलते नहीं है। मतलब खाना, पानी, हवा, तीनों तरह के प्रोडक्ट आपने बनाने शुरू कर दिए। हमने इस चीज के लिए ऊपर काम कर दिया कि हम इस प्योरिटी पे काम करेंगे ताकि लोगों का जीवन स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ खाएंगे, स्वच्छ हवा में लेंगे, स्वच्छ पानी पिएंगे तो जो बीमारियां होती है लोगों को वो कम होंगी। मार्केट लीडर बने रहने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विषय में आपको क्या विचार है? कितना आप इस पे कितना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि आप एक मार्केट लीडर हैं, जाहिर सी बात है हर नया प्रोडक्ट पहली बार आप ही ला रहे हैं। ये पानी साफ करना पहली बार आप लेकर के आए, हवा साफ करना पहली बार आप लाए, सब्जियों की प्योरिटीज को इम्प्योरिटीज को हटाना वो पहली बार प्रोडक्ट आप लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं आपने R&D पे इनोवेशन पे समय लगाया होगा, थोड़ा उसके बारे में शेयर करिए। आप देखेंगे हमारी जर्नी में हम इतने सारे एरियाज में आए और इसी फिलॉसफी से आए कि जब तक हम इनोवेशन नहीं करते रहेंगे तो आगे नहीं रह पाएंगे, उस रेस में पीछे रह जाएंगे हम लोग। तो मैं समझता हूँ किसी भी एंटरप्रेन्योर को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, अगर आज वो सक्सेसफुल हो गया तो कल वो सक्सेसफुल रहेगा ऐसा होने वाला नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होगा आप रिसर्च करते होंगे लेकिन वो वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल होती है, हर चीज में सक्सेस नहीं आती है शुरू में, आपको जैसे जैसे करेंगे लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ से आई, रिसर्च किस चीज पे करिएगा आप? रिसर्च के लिए आपको एक कंज्यूमर तक पहुंचना पड़ेगा, कंज्यूमर को क्या तकलीफ होनी है उसको समझना पड़ेगा। एक डॉक्टर जब एक मरीज का दर्द समझता है तो फिर दवाई निकालता है। तो इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में जो CEOs हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं तो क्या कस्टमर को दर्द हो रहा है, उस दर्द का क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और अगर ढूंढ पाएंगे तो आपका प्रोपोजिशन बनता है बिजनेस। मेरा एक कठोर प्रश्न है आपसे कि RO का जब पानी आप पीते हैं तो आप देखते हैं उसे पानी वेस्टेज बहुत होता है। 1 लीटर पानी साफ करने के लिए तकरीबन 1 से 2 लीटर पानी वेस्ट भी हो जाता है, तो ये तो जो आप काम कर रहे हैं इसमें क्या पानी वेस्टेज को बढ़ावा नहीं दे रहे? यहाँ पे 2 सोल्यूशन दूंगा। एक तो वो पानी वेस्ट नहीं है, आप ये समझिए आप नहाते हैं तो पानी निकलता है, आप तो उसको वेस्ट नहीं बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं, पानी का इस्तेमाल बोलते हैं। आप कपड़े धोते हैं तो गंदा पानी निकलता है, आप उसको ये तो नहीं कहते पानी वेस्ट है, लेकिन वो वेस्ट इसलिए नहीं समझते क्योंकि पानी देखने में गंदा होता है। RO में से जो पानी निकलता है वो देखने में साफ होता है लेकिन उसमें गंदगी है, जो पानी की गंदगी थी वो कहाँ गई? उसी पानी में गई। तो वो पानी वेस्ट नहीं है, पानी का कंजम्पशन है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, उसको कम से कम करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो कैंट ऐसी कंपनी है जो 1 लीटर के लिए 3 लीटर पानी वेस्ट होता था, कैंट के प्यूरिफायर में 1 लीटर में सिर्फ 1 लीटर पानी निकलता है, तो 50% की रिकवरी हमने बनाई है। और उस जो पानी निकलता है उस पानी को भी हम प्यूरिफायर ऐसा बनाते हैं जिसमें स्टोर करके रखते हैं उसको। तो हमारे RO प्यूरिफायर में 2 टैंक होते हैं, एक प्योर पानी का निकलने का जो पी सकते हैं, एक टैंक होता है जिसमें ये जो पानी वेस्ट होता है वो निकलता है। उस पानी से आप झूठे बर्तन साफ कर लें, पोछा लगा लें, वो तो वैसे भी नए पानी से लगाते तो उस झूठे पानी से आप कर सकते। बाकी ब्रांड नहीं कर रहे? हाँ, इसमें मेरा पेटेंट है, दूसरे लोग नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी चाहेगा इसका लाइसेंस ले लेंगे, मैं फ्री लाइसेंस देने को तैयार हूं, उसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने पेटेंट करा के फ्री लाइसेंस भी देने को? फ्री लाइसेंस भी देने को, क्योंकि लोगों के फायदे की चीज है। अच्छा, दूसरा एक और कठोर मेरा प्रश्न है आपसे कि ये 1-1.5 साल पहले मैं व्हाट्सएप पर रोज देख रहा था कि जी RO से पानी की सारी ताकत खत्म हो जाती है, निकाल लेता है। ताकत नहीं, मिनरल्स बोल सकते हैं, मिनरल खत्म हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं, लोगों का ये मानना है इसमें मिनरल और ये फैक्ट भी है। नॉर्मल RO में हमारे को भी तकलीफ नजर आई, तो मैंने जैसे रिसर्च के ऊपर जोर देता हूँ, उसी रिसर्च के टाइम मैंने पाया और एक नया हमने एक पेटेंट निकाला जिसके अंदर पानी में जो मिनरल्स खो जाते हैं उसमें जरूरी मिनरल्स को बनाए रखने की तकनीक निकाली। कैंट RO जो भी प्योरीफायर बनाता है उसमें जरूरी मिनरल्स बने रहते हैं, वो हम दिखा के रखते हैं लोगों को। और यहाँ अभी हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर एक नया मॉडल जिसमें जो मिनरल्स है उसकी मात्रा डिजिटली डिस्प्ले भी करते हैं, देखिए मिनरल्स हैं या नहीं वो आपको दिखते रहते हैं उसके अंदर से, ताकि कस्टमर को कॉन्फिडेंस रहे जिसको आपने ताकत बोला इसमें से ताकत पूरी मेंटेन है उसकी, वहाँ मेंटेन है। तो मतलब ये केवल केंट के साथ है, आप अगर ऑनेस्टली बताना चाहें कि बाकी ब्रांड्स भी? बाकी ब्रांड के पास शायद ये सब टेक्निक नहीं है, वो दूसरे तरीके से उसको करते हैं, वो आर्टिफिशियल मिनरल्स उसमें डालते हैं।
वो ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, हमारे नेचुरल मिनरल्स रहते हैं उसके अंदर। तो मतलब आप बाहर निकलने नहीं दे रहे मिनरल्स, बाहर जरूरी मिनरल्स को जितनी मात्रा होती है उसको छोड़ के बाकी को निकालते हैं बस। मतलब कहने का है कुल मिला के आरओ का पानी पीना ही चाहिए। देखिए आप आरओ का पानी नहीं पिएंगे, पानी में जो घुली हुई अशुद्धि होगी उसका क्या करेंगे आप, वो तो आपको बीमार करेगा करेगा। तो अगर आपको 100% प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको कैंट का पानी पीना पड़ेगा। तो क्विकली समराइज करते हैं, ये थे डॉक्टर महेश गुप्ता हमारे साथ में, कैंट आरओ मार्केट का लीडर प्यूरिफायर के अंदर आरओ में। लेकिन अब मैं इनके साथ में कुछ बिजनेस के विषय में बात करना चाहता हूं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो ये आपके लिए एक प्रोफेसर की तरह अब आपको कुछ गाइड करेंगे कि अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, मार्केटिंग पे ध्यान देना है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, एक्सपेंशन प्लान कैसे करना है, फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, ऐसे कई सवालों के आपके जवाब देंगे डॉक्टर महेश गुप्ता खुद बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए और केवल इंफॉर्मेशन नहीं इंप्लीमेंटेशन पे काम करने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।